हेलो एवरीवन, मैं हूँ गरिमा एंड स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल गरिमा जी अम्मी फूड रेसिपीज पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं सूजी के बहुत ही बेहतरीन तरीके से पापड़, और ये पापड़ों को आप स्टोर करके साल दो साल तक भी आराम से खा सकते हैं। सबसे पहले इस पापड़ को बनाने के लिए हम काली मिर्च का एक पाउडर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च लिया है, और काली मिर्च को हम दरदरा कूटेंगे। जी हाँ, बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसे हम दरदरा कूटेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़े छोटे से खलबट्टे का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हैं। हमारा पाउडर बनकर तैयार है। अब मैं क्या करूंगी, एक भगोने में पानी नापेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप सूजी का पापड़ बना रही हूँ, और 1 कप सूजी के पापड़ के लिए हमें चाहिए होगा 8 कप भर के पानी। जी हाँ, यहाँ पर जो पानी का लेवल है वो 8 गुना है। तो यहाँ पर मैं 8 कप पानी को नाप लेती हूँ। भगोना थोड़े से बड़े साइज का लेंगे, क्योंकि सूजी जब फूल कर सेट होती है तो वो थोड़ा सा बढ़ती ज्यादा है। तो यहाँ पर 8 कप पानी को पहले नापते हैं, और पानी के नापने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना नमक है हमें चाहिए। तो 1 कप सूजी में मैं 1 टीस्पून नमक का यूज करूंगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने नमक डाल दिया है, वो क्लिप मुझसे रह गई है। तो नमक डालने के बाद अब हम यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देते हैं। और नमक डालते समय ध्यान रखें कि शुरू में आप कम ही डालें, क्योंकि पापड़ सूखने के बाद नमक को ज्यादा सोख लेता है। अब यहाँ पर जो है 1 टीस्पून भर के जीरा डाली है। आप जो है इसमें कुछ अजवाइन या मंगरेल वगैरह डालना है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैं अजवाइन डाल रही हूँ। और यहाँ पर सारी चीजों को हम पानी में मिला लेते हैं। पानी को हम पहले अच्छे से गर्म होने देते हैं। पानी में जब हल्की सी गर्माहट आएगी तब हम सूजी को ऐड करेंगे। पापड़ बनाने के लिए सूजी को आप यूज कर सकते हैं बड़े दानों वाला या फिर मोटे दानों वाला। सूजी के पापड़ को खस्ता बनाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं थोड़े से खाने वाले सोडा का। तो 2 से 3 पिंच खाने वाला सोडा आप पानी में ऐड कर दें, और इस पानी में जो है उबाल आने देते हैं। पानी में अभी अच्छा सा उबाल आने लगा है। अब हम यहाँ पर अपनी सूजी ऐड कर देते हैं। तो चलिए सूजी को हम यही गर्म पानी में मिक्स कर देते हैं। 1 कप मैंने भर के सूजी ले ली है। सूजी को यहाँ पर मिला देते हैं, और सूजी को डालते हुए धीरे धीरे डालेंगे और चलाते रहेंगे, जिससे सूजी के लम्ब ना बनने पाए। सूजी मैंने सारी की सारी यहाँ ऐड कर दी है, और इस टाइम पर हम इस पापड़ को चलाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इस मतलब मिक्सर को हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे, जिससे सूजी के लम्ब्स ना बने। वैसे पानी हमने काफी ज्यादा लिया है तो सूजी काफी बढ़िया तरीके से फूल जाती है। पापड़ में अगर पानी कम हो जाए तो सूजी के दाने फूलते नहीं है, और पापड़ इतने क्रिस्पी और खस्ता नहीं बनते। तो पापड़ बनाने की एक खास ट्रिक होती है कि आप 1 कप सूजी में जो है 8 कप पानी का यूज करिए, तो पापड़ हमारे बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं क्या करूंगी, इस पानी में जब उबाल आ गया है तो फ्लेम को हम कर देंगे थोड़ा सा मीडियम। मीडियम फ्लेम पर भी हम इसी तरह से इसको लगातार चलाते रहेंगे, और इस प्रोसेस को हम कर सकते हैं लगभग 8 से 10 मिनट तक हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि पानी अभी ज्यादा है, सूजी को गाढ़ा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 8 से 10 मिनट इस तरह से बीच बीच में चलाकर हम इसको पकाते रहेंगे। तो देखिए, आपको देखने से लग रहा है कि मिक्सचर हमारा धीरे धीरे करके गाढ़ा हो रहा है। सूजी का एक एक दाना फूलता है तो फिर पापड़ बहुत बढ़िया बनते हैं। यहाँ पर लगभग 8 मिनट चलाने के बाद अभी हमारा घोल जो है और गाढ़ा हो रहा है। अभी हमें इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करना है, तो इसे मैं इसी तरह से फ्लेम पर रखकर और बीच बीच में चलाते हुए पका रही हूँ। अब यहाँ पर हमने 10 से 12 मिनट पापड़ के घोल को चला लिया। देखिए, जब सूजी इस तरह से गाढ़ी हो जाए, साथ ही सूजी में यानी कि हमारे पापड़ के मिक्सचर में इस तरह से फुदके से उठने लगे, जिस तरह से फुदके आपको दिख रहे हैं, ये फुदके साइन होते हैं इस बात के कि हमारा जो घोल है वो हमने काफी बढ़िया तरीके से पका कर तैयार कर लिया है। सूजी का दाना भी एकदम बढ़िया से मिक्स दिख रहा है, यानी कि पापड़ का घोल हमारा पक कर तैयार है। यहाँ पर जो फुदके दिख रहे हैं, ये फुदके आपके घोल में आने बहुत जरूरी होते हैं। अब आप इस टाइम पर गैस को बंद कर सकते हैं और घोल को रख सकते हैं थोड़ी देर हल्का सा ठंडा होने के लिए, क्योंकि घोल अभी काफी गर्म है। घोल जब हल्का सा ठंडा होगा तब जो है हम इसको पापड़ बनाने के लिए आग से अलग हटाएंगे। तो यहाँ पर मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब यहाँ पर पापड़ बनाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक की शीट ली है, जिसको बिछा लिया है। साथ ही हम जो पापड़ बनाएंगे वो चूड़ी की हेल्प से बनाएंगे, जिससे हमारे पापड़ का साइज जो है एक बराबर रहे। अगर आपको चूड़ी की हेल्प नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं है, आप सिंपल तरीके से भी पापड़ को शीट पर गिराकर बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा घोल है जो 50% तक ठंडा हो चुका है। घोल को बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे, 30 से 40% ही हमें घोल को ठंडा करना है। अब हम क्या करेंगे, एक एक चूड़ी में एक एक बड़ा चम्मच भर के मिक्सर उठाकर रखते जाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, एक साथ इतना ही डालेंगे जिसमें चूड़ी के अंदर जो है पापड़ का जो घोल है वो फिल हो जाए। आप चाहे तो इसे स्पून से हल्का सा फ्लैट भी कर सकते हैं। और मेरा ये जो घोल मैंने तैयार किया है, ये ऐसा है कि चूड़ी में डालने के बाद ही आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक जो है उसमें फिट हो जा रहा है। तो घोल को इस तरह से रखना है हमको। चूड़ी की साइज आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब बड़े साइज की भी चूड़ी लेकर आप वो बना सकते हैं पापड़ को, छोटे साइज से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं मीडियम साइज की मैंने चूड़ियां ली है,
और ये चूड़ी जब पापड़ बनाने के बाद आप चाहें तो वॉश करके फिर यूज में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पापड़ डालने के बाद एक एक चूड़ी को उठाते जाएंगे और वापस इसी चूड़ी में जो है हम अपने पापड़ को फिट करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये काम मैं अभी छाए में कर रही हूँ, यानी कि घर के अंदर कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जब घोल गीला होता है तो इसे हम ना ही किसी दुपट्टे से ढक सकते हैं और ना ही हम इसे खुली धूप में छोड़ सकते हैं, क्योंकि धूप में रखने से साथ साथ जो हवाएं चलती है उसमें जो धूल मिट्टी होती है उससे पापड़ में चिपकने का डर होता है। यहाँ पर हमारे सारे पापड़ मैंने बना कर तैयार कर लिए हैं शीट पर। इसे मैं एक बार 2 घंटे के लिए छांव में ही रखूंगी और जब इसकी ऊपरी एक सतह हल्की सी ठंडी हो जाएगी, इसे मैंने अभी पंखे की हवा में रखा है, तो फिर हम इसे धूप में रखेंगे और धूप में रखने के बाद हम इसे हर 3 से 4 घंटे पे बीच बीच में उलटते पलटते रहेंगे। तो इस तरह से करके कुल 2 से 3 दिन में हमारे पापड़ जो है बहुत बढ़िया से सूख कर तैयार हो जाते हैं। अगर धूप तेज है तो इसे सूखने में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का टाइम लगता है। देखिए पापड़ हमारे कितने बढ़िया तरीके से ड्राई हो चुके हैं। पापड़ को मैंने कुल 3 से 4 दिन सुखाया है। वैसे मैं एक बात बता दूं कि पापड़ को जितनी ज्यादा दिन हम सुखाते हैं धूप में, उतने ही आगे के टाइम के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इसे कम सुखाएंगे, कम ड्राई करेंगे, 1 से 2 दिन में ही हम उसे उठा लेंगे, तो पापड़ के जो है खराब होने का डर होता है। तो जब भी आप चिप्स पापड़ इस तरह की कोई चीजें बनाते हैं तो जितना मैक्सिमम हो सके टाइम आप इसे धूप दिखाइए। धूप दिखाने से इसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं होती है और हम जब इसे स्टोर करते हैं तो ये काफी टाइम तक चलता है। अब पापड़ को हम एक बार तल कर भी देख लेते हैं। पापड़ हमारे काफी बढ़िया तरीके से ड्राई हो चुके हैं और पापड़ को आप किसी भी एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं आगे के यूज के लिए। तो अभी मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। पहले हम एक पापड़ को डालकर चेक कर लेते हैं। पापड़ के डालते ही अगर पापड़ फटाफट से इस तरह से तलकर ऊपर आने लगे तो समझिए तेल हमारा अच्छे से गर्म है। अभी मैं तेल को हल्का सा और गर्म करती हूँ। पापड़ हमारे देखिए कितने बढ़िया तरीके से फूल रहे हैं, साइज इनकी डबल हो जाती है और ये पापड़ खाने में बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी लगते हैं। अब तेल हमारा और अच्छे से गर्म हो गया है तो मैं क्या करूंगी, एक साथ जो है 3 से 4 पापड़ डाल देती हूँ और अब आप देख रहे हैं कि पापड़ कितने बढ़िया तरीके से फूल कर तेल में ऊपर आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हाई फ्लेम पर हम पापड़ को तल लेंगे। चाय के साथ इस तरह से स्नैक्स बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं और गर्मी के दिनों में, बारिश के दिनों में ये पापड़ चाय से बहुत अच्छे लगते हैं। सूजी के इस तरह से पापड़ बनाकर स्टोर करिए, घर वालों को खिलाइए। आइए दोस्तों आज की वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।